दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 8 सालों में शानदार काम किया है। 1,70,000 से ज्यादा केसेस की सुनवाई करी है। 181 विमेन हेल्पलाइन ने 40,00,000 कॉल्स अटेंड करी है। क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर ने 60,000 से ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की काउंसलिंग करी है। महिला पंचायत ने 50,000 से ज्यादा अवेयरनेस सेशंस कराए हैं और 2,00,000 केसेस को सुलझाया है। रेप क्राइसिस सेल ने सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स को 2,00,000 कोर्ट केसेस में उनकी सुनवाई में मदद करी है। 500 से ज्यादा रिकमेंडेशंस दिल्ली महिला आयोग के द्वारा दिए गए। ये सारा का सारा काम अकेले स्वाति मालीवाल का काम नहीं है, ये काम एक बहुत बड़ी टीम ने करा है। इस टीम में एसिड अटैक सर्वाइवर्स तक हैं, रेप सर्वाइवर्स हैं, डोमेस्टिक वॉयलेंस की सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने अपने दर्द से बहुत मुश्किल से उभर कर अपने अंदर पूरी जो आग है उसको महिलाओं की मदद में झोंक दिया। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड ये टीम ने महिलाओं के लिए काम कराए, तपस्या करी। पर आज एलजी साहब ने एक तुगलकी फरमान निकाला है। वो कहते हैं कि पूरे की पूरी महिला आयोग के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को निकाल दो, निकाल के बाहर फेंक दो। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि महिला आयोग में इस वक्त 90 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। अरे 90 स्टाफ है, उसमें से सिर्फ 8 स्टाफ रेगुलर है, बाकी सारे के सारे 82 स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल है। 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर, छोटी छोटी सैलरीज पर ये लोग काम करते हैं। तो 90 स्टाफ में से अगर 82 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हटा दोगे तो सिर्फ 8 स्टाफ बचेगा। तो 181 विमेन हेल्पलाइन 8 स्टाफ से चलेगी? रेप क्राइसिस सेल कैसे चलेगा? क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर कैसे चलेगा? महिला पंचायत कैसे चलेगी? ये जो हर दिन 500 महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, मदद लेकर लेने के लिए आती हैं, पुलिस के खिलाफ आती हैं, ये लड़कियां कहां जाएंगी? मैं ये जानना चाहती हूं कि ये बड़ा इल्लीगल काम चल रहा था जी, बड़ी बड़ी करप्शन हो रखा था जी, तो एक बात बताइए, 9 साल तक जब मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब तो आपकी हिम्मत नहीं हुई कि महिला आयोग की तरफ मुड़कर देख ले? अब मैं अध्यक्ष पद से क्या हटी तो आपकी बुरी दृष्टि महिला आयोग पर आ गई? मुझे ये बताइए कि हर दिन दिल्ली देश की राजधानी में 6 रेप होते हैं, क्या एक्शन लिया इस रेप को बंद करने के लिए? रेपिस्ट खुले घूमेंगे और महिला आयोग बंद कर दिया जाएगा, इसके ऊपर ताले लगा लिए जाएंगे? ब्रिजभूषण कैसे अभी भी खुला घूम रहा है? रेवन्ना इस देश को छोड़ के भाग गया, लेकिन देश के महिला आयोगों को बंद कर दिया जाएगा, ये राजनीति है इनकी। मैं ये जानना चाहती हूं कि इतनी छोटी नकारात्मक और महिला विरोधी सोच का जो दर्शन दे रहे हैं एलजी साहब, इससे इन्हें क्या मिलेगा? अरे लड़ाई लड़नी है ना, मुझसे लड़िए, मेरे से लड़ाई है ना, दुश्मनी तो मेरे से है, गुस्सा मेरे से है। ब्रिजभूषण पे पूरे देश के महिला आयोगों में किसी ने सवाल नहीं पूछा, सिर्फ स्वाति मालीवाल ने सवाल पूछा। राम रहीम पे पूरे देश के महिला आयोग चुप है, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग बोला। मणिपुर पूरे देश के महिला आयोग चुप, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग, स्वाति मालीवाल वहां पहुंची। इस बात की दुश्मनी है ना, तो अपनी सारी एजेंसीज लगा दीजिए ना मेरे पीछे, ईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, दिल्ली पुलिस लगाइए। अरे मैं कहती हूँ कल क्यों, आज ही अरेस्ट करके ले जाइए, मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। बताइए कौन सी जेल में जाना है, कहाँ सरेंडर करना है? पर महिलाओं से दुश्मनी निकालने से जो हाय लगेगी ना, उससे कोई नहीं बचा पाएगा। तो मैं आपको सीधे सीधे चेतावनी देती हूँ, दिल्ली महिला आयोग की तरफ अपनी बुरी दृष्टि मत रखिए। दिल्ली महिला आयोग को स्टाफ दीजिए, दिल्ली महिला आयोग को फंड्स दीजिए और दिल्ली महिला आयोग को संरक्षण दीजिए। हमें दिल्ली में और देश में ऐसा सिस्टम लाना है कि कोई भी लड़की के साथ कोई भी कुछ गलत करे तो उसकी रूह कांपे। अगर आप महिला आयोगों के ऊपर ताला लगा देंगे
तो फिर मुझे ये बताइए कि कैसे बेटी बचेगी और कैसे बेटी पढ़ेगी। राजनीति करिए पर महिलाओं के मुद्दों पे राजनीति मत कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।